आज 5 अगस्त है और आज के दिन ही पिछले साल 2019 में जो है हमारी जो स्टेट है उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था और ये बहुत ही जल्दबाजी में कदम उठाया गया था और उसमें जो हमारा स्टेटहुड था उसको ख़त्म कर दिया गया और यूनियन टेरिटरी बना दी और हमारे लोगों को जो है दुश्वारी में डाल दिया। और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि स्टेटहुड में जो है वो लगा लें वाईफाई लगा लें, मेरे ख्याल से 99% स्टूडेंट जो है वो इतना अमीर नहीं है, तो जो गरीब स्टूडेंट है जिसको पढ़ना है आगे डाउनलोड करना है तो वो किस तरह कर पाएगा, 2G में नहीं हो पाएगा। तो ये हमारे जो यूथ है इनको हर तरह से इन्होंने प्रेशराइज किया और वो कर दिया है। अगर हम देखें इसी तरह से हम देखें, अब आप बात करें अपोशन की कि हमें अपोशन करनी है, तो अपोशन करनी है तो अपोशन के सारे लोग उन्होंने पहले तो पकड़ के अंदर कर दिए, चलो ठीक है इन्होंने अपने तरीके से किया। लेकिन जब आप अपनी पार्टी जो बीजेपी की है वो रोज, जब यहाँ लॉकडाउन लगा था उसके पहले, अब तो COVID-19 लॉकडाउन उससे पहले लॉकडाउन में भी ये लोग अपने काम कर रहे हैं, बीजेपी वाले मीटिंग कर रहे हैं, और जब लोगों को अंदर कर दिया था उस समय बीजेपी अपनी मीटिंग करती थी, और इनके लिए कानून अलग है। और हम लोगों जो अपोजिशन की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टी हो, उनके लिए कानून अलग है। अभी आप आज ही देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यूथ के लीडर जो है उन्हें पकड़ लिए हैं। जब वो बात डेमोक्रेसी है इसमें बात रखना चाहते हैं तो आप प्रेशराइज क्यों करते हैं अपोजिशन पार्टी को। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ लास्ट में कि हमारा जो स्टेटहुड है वो हमें वापस दिया जाए, जिससे कि हमारे जो यूथ है उनके जो जॉब हैं वो उनके जॉब जो है उनको सिक्योरिटी मिले कि वो जॉब जो है ठीक से कर सकें, इसी तरह से लैंड के लिए सिक्योरिटी मिले, इसी तरह से जो आपका एडमिशन मिलती है डिफरेंट कॉलेज में टेक्निकल, उसमें भी जो है स्टेट बनने पर हमें वापस वो रुतबा वापस आ जाए। तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि हमारा स्टेट हमें वापस मिलना चाहिए, रिस्टोर होना चाहिए। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट को रिस्टोर करो, और मैं ये बार बार यहाँ कह रहा हूँ कि यूनियन टेरिटरी जब से बनाई है हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर है पीछे बैकवर्ड ही हुआ है, फॉरवर्ड नहीं हो पाया है। इसको दोबारा स्टेट बनाई जाए तब जाके हमारी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है वो आगे बढ़ेगी, और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जब स्टेटहुड देंगे उसके बाद इलेक्शन कराई जाए, जिससे कि आम लोग जो हैं उनको उनका हक मिल सके। आम जनता परेशान है, जब स्टेटहुड नहीं है यूनियन टेरिटरी है किसके पास जाएंगे, जहां भी जाते हैं उनका काम नहीं बनता है क्योंकि उनका कोई रखवाला ही नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आम लोगों की भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए, और वही रुतबा जो एक आम आदमी को मिलता था, अपने काम वो कराता था, जाता था रिप्रेजेंटेटिव के पास, फिर सेक्रेटरी में जाता था, उसका काम होता था, वो दोबारा रुतबा उसको वापस मिलना चाहिए। जय हिंद। स्टेटहुड को खत्म करेंगे, यूनियन टेरिटरी बनाएंगे तो हम मिलिटेंसी खत्म करेंगे, हम यहाँ पीस शांति लाएंगे। तो एक साल में क्या हुआ, ना ही यहाँ पीस आया। अगर पीस होता तो आज श्रीनगर कश्मीर में क्रेफू क्यों लगता, यहाँ धारा 144 क्यों लगती बाकी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कहते थे कि हम पीस लाएंगे, ना ये पीस ला सके, ना ये मिलिटेंसी खत्म कर सके, और इन लोगों ने क्या किया कि एक साल में जो है स्टेट को डिमोशन कर दिया हमारी, और यूनियन टेरिटरी बना दी, जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि स्टेटहुड हमारा जो है वो हमें वापस मिलना चाहिए। क्यों लिया था इन्होंने स्टेटहुड, स्टेटहुड का ये कारण बताएं कि हमें इन्होंने स्टेटहुड लिया तो फिर वापस लिया क्यों लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टेटहुड हमें वापस दिए जाए। आज बच्चा बच्चा कहता है कि हमें स्टेटहुड हमारा वापस आना चाहिए, किसी को पूछो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को स्टेटहुड वापस लाना चाहता है। तो मैं यहाँ जोरदार तरीके से कहना चाहता हूं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दिया जाए। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारा जो है एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने कहा था कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, 50,000 इन्होंने ऐलान भी किया था एम्प्लॉयमेंट का, यूथ को देंगे, अनएम्प्लॉयड यूथ को, अभी तक एक भी बच्चे को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है। अगर 50,000 इन्होंने कहा था तो एक साल में कम से कम 50,000 नहीं तो 25,000 दे देते। अभी इन्होंने फोर्थ क्लास की कुछ नौकरियां निकाली हैं, उसमें भी 10+2 जो है वो अप्लाई कर, ठीक है, लेकिन बाकी लोग जो हैं उनके लिए क्या है, जो क्वालिफाइड लोग हैं, PhD होल्डर हैं, जो रिसर्च किए हुए हैं, जो इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो अच्छी अच्छी डिग्रियां लेके बैठे हैं, उनके लिए क्या एक भी पोस्ट ये नहीं निकाल रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अनएम्प्लॉयमेंट लोग जो बैठे हुए हैं, यूथ बैठा हुआ है और उसको परेशानी में इन्होंने डाल रखा है, उनके लिए नौकरियां जो है इनको निकालनी चाहिए। कह रहे थे कि हम नौकरियां निकालेंगे और यहाँ पे हम मॉडल जो है यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। यही मॉडल यूनियन टेरिटरी है कि अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो सड़कों पे है और वो जोर
दर तरीके से लोगों को बोल रहा है गवर्नमेंट को कि हमें जॉब दें और ये जॉब नहीं दे रहे। अब दूसरी बात जो यूथ से जुड़ती है 4G इंटरनेट सर्विसेज है। जब यहाँ हमारी स्टेट थी तो 4G इंटरनेट सर्विसेज जो है फर्स्ट क्लास चलती थी और उसमें जो है जो प्रेस वाले हैं उनका काम भी ठीक चल रहा था। तो अगर हम देखें कि जब इन्होंने यूनियन टेरिटरी बना दी तो 4G इंटरनेट सर्विस टोटली हटा दी और कुछ महीने बाद उन्होंने 2G शुरू की है, वो भी कुछ भी नहीं, उसमें भी डाउनलोड नहीं होता, किसी ने अगर स्टूडेंट ने कुछ डाउनलोड करना हो तो वो उसमें होता नहीं। तो अगर हम देखें लॉस जो हुआ है, नौकरियों का लॉस हुआ क्योंकि प्राइवेट जो प्रेस में जो काम करते थे उनका लॉस हुआ है 4G हटाने के बाद जब ये यूनियन टेरिटरी बन गई। इसी तरह से जो स्टूडेंट हैं उनका बहुत ज्यादा लॉस नुकसान हुआ है, स्टूडेंट जो है तैयारी करता है वो डाउनलोड नहीं कर पाता। अभी सारे स्टूडेंट अमीर नहीं है कि वो अपने घरों में जो है वो लगा लें।